वेलकम बैक फ्रेंड। तो जिस तरह से देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है, होली के कारण बिहार में भी इन दिनों पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। लेकिन इस बीच यहां पर बिहार में लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बिहार में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए बहुत सारे प्राइवेट वर्क करने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता सता रही है। लेकिन आज इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लॉकडाउन नहीं लगने के बारे में बड़ा बयान दिया है। इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर खास खबरों की नोटिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन से जुड़ी हर तरह की खबर हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो बने रहिए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए आज आपको बताते हैं यहाँ पर कि राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो तेज़ हुई है, लेकिन बिहार सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं और लोगों से भी एहतियात बरतने की बार बार अपील की जा रही है। इसी बीच बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज यहाँ पर बड़ा बयान दिया। मंगल पांडे ने कहा है कि फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि देश के कई शहरों में इस समय नाइट कर्फ्यू और आंशिक रूप से लॉकडाउन लगने शुरू हो गए हैं। बुधवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार इस समय पूरी तरह अलर्ट है, सरकार सतर्क होकर काम कर रही है, कोरोना जांच की संख्या भी बढ़ाई गई है, रोज़ तकरीबन 60 से 70 हज़ार टेस्ट किए जा रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसकी तुलना में बिहार में स्थिति ठीक है। राज्य में लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। बिहार में फिलहाल 1500 के आसपास एक्टिव केस है, किसी किसी ज़िले में बहुत कम एक्टिव केस है, इसलिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे हालात अभी नहीं है। राजधानी पटना समेत राज्य के कई शहरों में होली के अवसर पर बाहर से आने वाले लोगों के कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा है। आपको बता दें कि रविवार को 129 और सोमवार को 106 संक्रमित मिले हैं, जिसके कारण विशेषज्ञों का मानना है कि होली की छुट्टी के बाद जब जांच बढ़ेगी तब संख्या बढ़ सकती है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मंगलवार को जिले में स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने प्रधान सचिव के समक्ष इस समस्या को उठाया। तो यहाँ पर उसकी जांच सभी जितने भी बाहर से लोग आए हैं उसकी जांच की गई। और आपको बता दें कि अभी राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 1500 है। 10 दिन पहले 19 मार्च को कोरोना के सक्रिय मरीज मात्र 436 थे। तो यहाँ पर नए कोरोना संक्रमितों की लगातार पहचान होने से कोरोना संक्रमण के दायरे में विस्तार हुआ है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 29,224 सैंपल की जाँच हुई है। तो इसलिए यहाँ पर बिहार में जो यहाँ पर संक्रमण की दर है वो फिलहाल इस तरह की नहीं है कि यहाँ लॉकडाउन लगाया जाए, और इसलिए यहाँ पर बिहार सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल जिस तरह की स्थिति है बिहार में तो लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा। तो सभी बिहार वासियों के लिए ये अच्छी खबर है, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगेगा, आप लोग बिल्कुल खुल के अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहें। मिलते हैं एक और खास खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।